पिहोवा के गांव सारसा के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बच्चों के पिता सोहनलाल सोनू के बाद मुख्य आरोपी चाचक जगदीप की पत्नी रीना का भी पोलोग्राफी टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। इस बारे में न्यायालय से स्वीकृति ले ली गई है। बच्चों के लापता होने के बाद जगदीप व उसकी पत्नी रीना का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें जगदीप बच्चों की हत्या करना कबूल कर रहा है व सोहनलाल सोनू के कहने पर ऐसा करना बता रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को रीना ने ही बच्चों को जगदीप द्वारा मारे जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जगदीप को हिरासत में लेकर मोरनी के जंगल से बच्चों के शव बरामद किए। पुलिस ने अब तक की जांच में जगदीप को ही मुख्य आरोपी माना है और जांच में बच्चों के पिता सोहनलाल उर्फ सोनू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके चलते पुलिस ने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। ऑडियो टेप किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया, मर्डर का पता चलने के बाद रीना की भूमिका क्या रही तथा रिकॉर्ड करने के समय रीना भैया किसको कह रही है आदि इनके सवालों जिसकी जांच होनी है। पुलिस ने अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रीना का भी पोलोग्राफी टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। पेहोवा से कुमार शेखर, आजाद टीवी न्यूज। तो भैया एक मिनट बाहर जाइए, यहाँ छोड़ दे एक मिनट इसका पापा लर। ये तो मेरा ऊपर था कुछ। क्यों है तेरा ऊपर? मैंने नहीं बताया जब इसका बाप कहाँ था। नहीं तो तेरा ऊपर मेरे सुन ले बात, कुछ नहीं है। इसने नहीं दे कुछ दे मेरे को तेरे पे। इसने बंदूक दे ही थी। इसने सारा कुछ दिया था। दो दिन पहले जो गया था दारू दूर पी थी, जब जे दिन गोली दी थी सुमन की दवाई लेने गए थे, जे दिन बंदूक दी थी मेरे से इन्होंने कहा था आप तो मरना है भाई, आप सारे लेकर मरना है भाई। रविंद्र मेरे को अच्छा तो कर ले उसे, फिर मैंने बोला भाई कुछ तो होगा, मैं कुछ ही नहीं कुछ है भाई, अपना उत्तखाड़ा चटा लूंगा अपना दिमाग चला लेके लगाना था उसको कत्ते लगा चोट लगा उठी रहा मैं तो बस उसने कर फिर मैं दो दिन लाइब्रेरी में घूम गया उठ गया। किसका लोए? किसके? सोनू लोए। मैं कल ले गया मोरनी ले। बस मैंने सच्चाई बता, मैं कौन जान दे, बस मोरनील गया ठीक है आगे खत्म। तो बता दे एक बार देख का आएगा अगले दिन मैं ही ले गया। अच्छा ठीक है। सोनू का कहीं बता नहीं काम करे हैं। हाँ तने इसने खुद ने क्यों नहीं करे ये काम, जब तक ना करे ये काम नहीं कहा भाई क्या तू तो बाल कर पहनने के टाइम में और ये अपना आप छूट जाएगा अपने जेब जांच तो नहीं हुई फिर तो हम बच जाओगे। बच देखो मैं तो फंसूंगा। किस तरह? मेरी लोकेशन है मोबाइल की। लोकेशन किस तरह है तेरा मोबाइल की? मेरा मोबाइल ऑन था ये SIT टीम ने इसकी इजाज़त ली है पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए और FSL मधुबन से टाइम लिया गया है। SIT जो टीम है वो जल्द ही उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी, जो पहला मुकदमा है उसमें। तो ये कब तक हो पाने की उम्मीद है? वो टाइम वो ही बताएंगे इसके बारे में।